Welcome, dear students. Today we have to start second chapter of the computer, and the chapter name is Secrets of Software. In this chapter, we have to study introduction, history of software, definition of software, types of software, and layers of software. First, introduction. Software is commonly known as program, which support in computer to develop different things. Software को क्या कहते हैं? Programs. And वो किस लिए use होता है? Support करता है computer to develop different things. Computer में different things जो develop करने के लिए ये support करता है. As technology improved, many software are developed for different purpose. Different software different purpose से बनाए गए हुए. And it was too difficult to work with it, but now it is quite reliable and easier to understand and work with different software. Computer पहले पढ़ने के लिए and उस पर work करने के लिए, समझने के लिए और work करने के लिए hard था, but different software के से हम लोग computer को आसानी से समझ सकते हैं और उसको उसके ऊपर work भी कर सकते हैं. History of software. An outline for what would have been the first piece of software was written by Ada Lovelace in 19th century for the planned analytical engine. However, neither the analytical engine nor any software for it were ever created. 19th century में Ada Lovelace ने जो है वो software के बारे में लिखा था, आउटलाइन लिखा हुआ था जो कि एनालिटिकल इंजन के बारे में था, बट उसके बाद ना एनालिटिकल इंजन डेवलप हुआ और ना ही सॉफ्टवेयर. द फर्स्ट थ्योरी अबाउट सॉफ्टवेयर प्रायर टू द क्रिएशंस ऑफ कंप्यूटर एज वी नो देम टुडे वाज प्रपोज्ड बाय एलन ट्यूरिंग इन हिज 1935 एसे कंप्यूटेबल नंबर विथ एन एप्लीकेशन टू द डिसीजन प्रॉब्लम्स. सॉफ्टवेयर के बारे में फर्स्ट थ्योरी कंप्यूटर बनने के पहले, जैसे कि आज हम जानते हैं, एलन ट्यूरिंग ने अपने 1953 के एसे निबंध में गणना के काउंटिंग के लिए डिसीजन प्रॉब्लम के लिए एप्लीकेशन के साथ प्रपोज किया था. हाउएवर प्रायर टू 1946 सॉफ्टवेयर एज वी नाउ अंडरस्टैंड इट प्रोग्राम स्टोर्ड इन द मेमोरी ऑफ स्टोर्ड प्रोग्राम्स डिजिटल कंप्यूटर डिड नॉट एट एग्जिस्ट. द वेरी फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटिंग डिवाइसेस वेयर इंस्टेड रिवायर्ड इन ऑर्डर टू रिप्रोग्राम देम. देन 1946 के पहले सॉफ्टवेयर के रूप में जैसा डिजिटल कंप्यूटर की मेमोरी से स्टोर्ड प्रोग्राम अभी तक मौजूद नहीं थे, अभी तक प्रेजेंट नहीं है थे. पहले इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटिंग डिवाइस को इसके बजाय रीप्रोग्राम करने के लिए रिवायर करना होता है. देन नेक्स्ट, व्हाट इज सॉफ्टवेयर? सॉफ्टवेयर क्या है? कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और सिंपली सॉफ्टवेयर इज सेट ऑफ मशीन रीडेबल इंस्ट्रक्शन दैट डायरेक्ट अ कंप्यूटर टू परफॉर्म स्पेसिफिक ऑपरेशन. कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इंक्लूड्स कंप्यूटर प्रोग्राम्स लाइब्रेरीज एंड देयर एसोसिएटेड डॉक्यूमेंटेशंस. सॉफ्टवेयर इज स्टोर्ड इन कंप्यूटर मेमोरी एंड इट इज इनटेंजिबल, दैट इज इट कैन नॉट बी टच. कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और सिंपली सॉफ्टवेयर क्या है? एज सेट ऑफ मशीन रीडेबल इंस्ट्रक्शंस दैट डायरेक्ट्स कंप्यूटर टू परफॉर्म स्पेसिफिक ऑपरेशन. कंप्यूटर को जो हम डायरेक्शन देते हैं उसके ऊपर परफॉर्म वो कर सकता है. कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इंक्लूड्स कंप्यूटर प्रोग्रामिंग. कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में क्या क्या इंक्लूड होता है? कंप्यूटर प्रोग्राम इंक्लूड है, लाइब्रेरीज एंड देयर एसोसिएट डॉक्यूमेंटेशन. सॉफ्टवेयर इज स्टोर्ड इन कंप्यूटर मेमोरी. सॉफ्टवेयर कहाँ पे स्टोर्ड होता है? कंप्यूटर मेमोरी में. एंड इट इज इनटेंजिबल, दैट इज इसको टच नहीं कर सकते, दैट इज इट कैन नॉट बी टच, उसको टच हम नहीं कर सकते हैं. द पार्ट ऑफ कंप्यूटर विच कैन सी
बट कैन नॉट टच इज नोन एज सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर का ऐसा पार्ट जिसको हम देख सकते हैं बट टच नहीं कर सकते हैं, मतलब क्या होता है सॉफ्टवेयर, इट इज़ नोन एज सॉफ्टवेयर। देन टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एंड यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, ये थ्री पार्ट्स ऑफ सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एंड यूटिलिटी सॉफ्टवेयर आर द टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर। फर्स्ट इज द सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर इज डिजाइन टू डायरेक्ट ऑपरेट द कंप्यूटर हार्डवेयर टू प्रोवाइड बेसिक फंक्शनैलिटी नीडेड बाय यूजर्स एंड अदर सॉफ्टवेयर एंड टू प्रोवाइड अ प्लेटफॉर्म फॉर रनिंग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इस तरह से डेवलप किया गया है कि जिससे जो यूज़र जिस जो जो फंक्शन यूज़ करना चाहता है, जिसकी नीड होती है, ज़रूरत होती है, वो उसको प्रोवाइड कर सकता है ये सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर इज़ द मेजर रिक्वायरमेंट ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम। कंप्यूटर सिस्टम की मेजर रिक्वायरमेंट क्या है? सॉफ्टवेयर। इसके ये सॉफ्टवेयर की वजह से हम आसानी से वर्क कर सकते हैं कंप्यूटर पे। एज इट गवर्न्स ऑल द हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स ऑफ द कंप्यूटर, इट एक्ट एज इंटरफेस बिटवीन द यूजर्स एंड कंप्यूटर। सॉफ्टवेयर क्या है? वो कंप्यूटर और जो कंप्यूटर एंड सॉफ्टवेयर है इस सॉरी कंप्यूटर एंड यूज़र, इसके बीच में जो इंटरफेस करने का काम क्या करता है? सॉफ्टवेयर का। इट एक्ट एज अ लिंक बिटवीन द यूज़र एंड द हार्डवेयर। हार्डवेयर मतलब कंप्यूटर के जो पार्ट्स है वो हार्डवेयर है, उसमें जो लिंक है वो उसका काम करता है यूज़र और हार्डवेयर के बीच में। ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ एन वन काइंड ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर। ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो भी एक टाइप का सिस्टम सॉफ्टवेयर ही है। फर्स्ट ऑपरेटिंग, देन देखते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम इज यूजफुल टू ऑपरेट कंप्यूटर एंड कंट्रोल्स द ओवरऑल एक्टिविटीज़ ऑफ कंप्यूटर। ऑपरेटिंग सिस्टम किस लिए यूज़ होता है? कंप्यूटर ऑपरेट करने के लिए और सभी ओवरऑल एक्टिविटीज़ जो कंप्यूटर में होती है उसको कंट्रोल करने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज़ होता है। इट इज़ मिडल लेयर ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच वाली जो लेयर होती है वो होता है ऑपरेटिंग सिस्टम। सम एग्जांपल्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम आर यूनिक्स, विंडो एक्सपी, लिनक्स, मैक्स। ये जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम है। यहाँ पे साइन देखिए, मैक ओएस, लिनक्स, यूनिक्स, विंडो 8.1। सेकेंड, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यूजेस द कंप्यूटर सिस्टम टू परफॉर्म स्पेशल फंक्शंस और प्रोवाइड फंक्शंस बियॉन्ड द बेसिक ऑपरेशन ऑफ द कंप्यूटर इट्सेल्फ। कंप्यूटर में जो स्पेशल फंक्शंस ऑपरेट करने हैं उसके लिए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यूज होता है। दिस आर एंड यूजर सॉफ्टवेयर विच यूज टू द कंप्यूटर टू रिसॉल्व द स्पेसिफिक यूजर प्रॉब्लम्स। सो देयर आर मेनी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर अवेलेबल विच कैन बी स्टोर्ड इन द सिस्टम एज पर यूज़र नीड। यूज़र के यूज़ उसको जो चीज़ की ज़रूरत है उस तरह से यहाँ पे एप्लीकेशन स्टोर्ड होती है सॉफ्टवेयर की। बट दिस सॉफ्टवेयर कैन नॉट बी यूज इन द कंप्यूटर विदाउट ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर। बट जो ये जो भी एप्लीकेशन है वो हम तभी यूज़ कर सकते हैं जब इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर अवेलेबल हो, तो ही हम यहाँ पे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यूज़ कर सकते हैं। दीज आर द सेट ऑफ प्रोग्राम्स डेवलप बाय प्रोग्रामर्स इन ऑर्डर टू परफॉर्म स्पेसिफिक टाइप्स ऑफ जॉब लाइक फॉर्मेटिंग डॉक्यूमेंट्स, कैलकुलेशन, डिजाइनिंग एट्सेट्रा। ये किस तरह का सेट है? जहाँ पे प्रोग्रामिंग जो होते हैं वो स्पेसिफिक टाइप के होते हैं, जैसे कि फॉर्मेटिंग डॉक्यूमेंट्स, कैलकुलेशन एंड डिजाइनिंग एट्सेट्रा। देन टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर। फर्स्ट है वर्ड प्रोसेसर, प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर, स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर, ग्राफिकल सॉफ्टवेयर एंड मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के ये पार्ट्स है वर्ड प्रोसेसर, प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर, स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर, ग्राफिकल सॉफ्टवेयर एंड मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर। फर्स्ट वर्ड प्रोसेसर। वर्ड प्रोसेसर आर सॉफ्टवेयर विच हेल्प अस टू राइट, एडिट, डिलीट, कट, कॉपी एंड पेस्ट इन डॉक्यूमेंट।
वर्ड प्रोसेसर जो सॉफ्टवेयर है उससे हम एडिट भी कर सकते हैं, डिलीट, कट, कॉपी, पेस्ट और राइटिंग, ये डॉक्यूमेंट्स में ये सब चीज़ें हम वर्ड प्रोसेसर की वजह से कर सकते हैं। इट प्रोवाइड्स मेनी फीचर्स टू चेंज द टेक्स्ट इन डिजाइन मैनर। सम एग्जांपल्स ऑफ वर्ड प्रोसेसिंग एप्लीकेशंस आर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, वर्ड पैड, राइटर एट्सेट्रा। जब हमें इसमें वर्ड प्रोसेसर में सॉरी डॉक्यूमेंट्स में कुछ चेंजेस करने हैं, कुछ फीचर्स और ऐड करने हैं, तो उसके लिए हम लोग ये वर्ड प्रोसेसर का यूज़ कर सकते हैं। तो कौन से फॉर एग्जांपल माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, वर्ड पैड एंड राइटर, ये जो है वर्ड प्रोसेसिंग एप्लीकेशंस है। देन सेकेंड है प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर। दिस टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर इज़ यूज टू प्रेजेंट और आइडियाज एंड कंसेप्ट फॉर रिलेवेंट डेटा बाय यूजिंग स्लाइड्स, इमेजेस, चार्ट्स, टेक्स्ट, टेबल, ग्राफिक्स एंड अदर कंटेंट अवेलेबल। सम एग्जाम्पल ऑफ प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर आर माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, फ्लैश, ओपन ऑफिस, इम्प्रेस एट्सेट्रा। प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर जो है वो किस लिए यूज़ होता है, स्लाइड बनाने के लिए। जैसे कि उसमें क्या क्या बना सकते हैं, यूजिंग स्लाइड्स, इमेजेस बना सकते हैं, चार्ट्स, देन टेक्स, टेबल, ग्राफिक्स मतलब डिफरेंट ग्राफिकल इमेजेस ले सकते हैं और इस टाइप का और कुछ। सम एग्जांपल्स क्या है उसके, पावर पॉइंट, फ्लैश, ओपन ऑफिस और इम्प्रेस, इन सब में हम प्रेजेंटेशन बना सकते हैं। देन थर्ड इज़ द स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर। दिस टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर इज़ यूज टू क्रिएट डॉक्यूमेंट्स, मैनेज एंड ऑर्गेनाइज न्यूमेरिकल डेटा एंड स्टोर द डेटा। अ टेबल कैन बी कन्वर्टेड टू चार्ट फॉर एनालिटिकल एंड ऑटोमेटिकल कैलकुलेशंस, कैन ऑल्सो बी परफॉर्म। इसमें हम कैसे टाइप का ये क्रिएट कर सकते हैं, ये सॉफ्टवेयर इसलिए यूज़ कर सकते हैं जैसे कि हमें कुछ भी डेटा मैनेज करना हो, ऑर्गेनाइज करना हो न्यूमेरिकल में, तो हम वो कर सकते हैं। फिर उसका न्यूमेरिकल का हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं चार्ट में, फिर उसको ऑटोमेटिक कैलकुलेशन कैन बी ऑल्सो बी परफॉर्म। इसमें जो है ऑटोमेटिक कैलकुलेशन भी होते हैं, जैसे कि एक्सेल में हम लोग आपको मार्कशीट बनानी है या फिर बिल्स बनाने हैं, ये सब स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर में हम लोग बना सकते हैं। इन द सॉफ्टवेयर डेटा स्टोर्ड इन रो एंड कॉलम और टेबल फॉर्मेट। इसमें हम डेटा किस तरह से लिख सकते हैं, रोज में, कॉलम में, फिर टेबल फॉर्मेट में हम इसमें डेटा हमारा लिख कर रख सकते हैं। सम एग्जांपल्स ऑफ दिस सॉफ्टवेयर आर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, ओपन ऑफिस, कैलकुलेशन एट्सेट्रा। इसके एग्जांपल है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल एंड ओपन ऑफिस कैलकुलेशंस। तो यह है स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर। देन फोर्थ नंबर इज द ग्राफिकल सॉफ्टवेयर। दिस टाइप ऑफ एप्लीकेशन यूज टू वर्क विथ इमेजेस, ग्राफ्स, logos, cartoons and much more. Some example of the software are Paint, Photoshop, AutoCAD, Dreamweaver. Graphical software में हम क्या बना सकते हैं, images, graph, logo, cartoon, ये सब हम बना सकते हैं। और उसके example क्या है, Paint, Photoshop, AutoCAD and Dreamweaver. Next five, multimedia software. This type of software is used to create video, animation, sound, graphics and text with high degree of interaction. Some example of this software are games, window media player, VLC etc. Multimedia software में हम क्या कर सकते हैं, video create कर सकते हैं, then animation, sound, graphics और text with high degree of interaction. तो इसके लिए मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर यूज़ होता है। उसका एग्जांपल क्या है, गेम्स, विंडो मीडिया प्लेयर एंड वीएलसी, ये मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर के एग्जांपल्स हैं। देन थर्ड है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। फर्स्ट हमने देखा था सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर में हमने देखा था ऑपरेटिंग सिस्टम, देन सेकेंड था एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और थर्ड हमारा क्या है, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क यूजली रिलेटेड टू मैनेजिंग अ कंप्यूटर।
its devices or its programs which help in smooth functioning and better performance. Some examples of the utility software are QuickHead, Norton's, Avast, Antivirus. Utility software किस लिए यूज होता है? जो हमारा कंप्यूटर सॉफ्टली वर्क करे, उसमें कोई भी वायरस या कुछ भी प्रॉब्लम्स नहीं आए, उसके लिए यूटिलिटी सॉफ्टवेयर यूज होता है. उसका एग्जांपल क्या है? QuickHead, Norton, Avast Antivirus. ये उसके एग्जांपल्स हैं. नेक्स्ट है लेयर्स ऑफ सॉफ्टवेयर. द लेयर ऑफ सॉफ्टवेयर आर गिवन बिलो. यूज़र होता है, उसके बाद एप्लीकेशन, ऑपरेटिंग सिस्टम एंड हार्डवेयर. हार्डवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम, एप्लीकेशन एंड यूज़र, इस तरह से होता है इसका, इसके लेयर्स. अवस्ट आईटी सिक्योरिटी कंपनी सीईओ विंसेंट सीजे रिपब्लिक, फाउंडेड अप्रैल 1988 में अवस्ट जो है वो बना है. फाउंडर कौन है? पावेल एडवर्ड क्यूसेरा. अ डायग्राम शोविंग हाउ द यूज़र इंटरैक्ट्स विद एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ऑन अ डेस्कटॉप कंप्यूटर. यहाँ पे जो डायग्राम में है ये कहा क्या शो कर रहा है कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एंड डेस्कटॉप कंप्यूटर, इसका जो इंटरैक्शन यहाँ पे यूज़र किस तरह से वर्क करता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर डेस्कटॉप पे, तो उसका यहाँ पे ये दिया हुआ है, लेयर दी हुई है. द एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर लेयर इंटरफेस विद द ऑपरेटिंग सिस्टम विच इन टर्न कम्युनिकेट विद द हार्डवेयर. द एरो इंडिकेट द इंफॉर्मेशन. एरो से हमें पता चल रहा है कि हम यूज़र और हार्डवेयर के बीच में किस तरह से वर्क होता है. यूज़र एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के थ्रू ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर, देन हार्डवेयर, हार्डवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम एप्लीकेशन एंड यूज़र, इस तरह से यूज़र और हार्डवेयर का बीच में इंटरेक्शन होता है. देन एक्सरसाइज क्वेश्चन वन, फिल अप द सर्कल ऑफ राइट ऑप्शन विथ ब्लैक पेन. हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर आर अवेलेबल. तो जो आंसर हो उसको ब्लैक पेन से ऐसे टिक करना है. तो थ्री टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर आर अवेलेबल. सॉफ्टवेयर आर फिल इन द ब्लैंक्स एंड फिल इन द ब्लैंक्स टू यूज. ईजी एंड रिलायबल, टफ एंड हार्ड, अननेसेसरी हाई. तो ईजी एंड रिलायबल सॉफ्टवेयर आर ईजी एंड रिलायबल टू यूज. थर्ड, विच काइंड ऑफ सॉफ्टवेयर इज यूज टू मेंटेन न्यूमेरिकल डेटा इन सिस्टमेटिक वे. यहाँ पे क्वेश्चन है कि विच टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर है जो न्यूमेरिकल डेटा सिस्टमेटिक वे में मेंटेन करता है. प्रेजेंटेशन, स्प्रेडशीट या ग्राफिकल. तो स्प्रेडशीट. देन फोर्थ, विच काइंड ऑफ सॉफ्टवेयर इज इन एमएस पावर पॉइंट. तो एमएस पावर पॉइंट कौन से टाइप का सॉफ्टवेयर है? तो स्प्रेडशीट, ग्राफिकल या प्रेजेंटेशन. दैट इज प्रेजेंटेशन. विच काइंड ऑफ सॉफ्टवेयर इज ऑपरेटिंग सिस्टम. तो ऑपरेटिंग सिस्टम किस टाइप का सॉफ्टवेयर है? तो सिस्टम सॉफ्टवेयर. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ग्राफिकल सॉफ्टवेयर. पेंट सॉफ्टवेयर इज द ग्राफिकल सॉफ्टवेयर. विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज इन मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर. वीडियो, एनिमेशन, बोथ. मल्टीमीडिया में आएगा बोथ. देन यूटिलिटी सॉफ्टवेयर फिल इन द ब्लैंक्स. दो ऑपरेशंस ऑफ कंप्यूटर. तो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर मैनेज द ऑपरेशंस ऑफ सॉफ्टवेयर. देन फिल इन द ब्लैंक्स इज एग्जांपल ऑफ यूटिलिटी सॉफ्टवेयर. एंटीवायरस, पावर पॉइंट, फ्लैश. एंटीवायरस इज एग्जांपल ऑफ यूटिलिटी सॉफ्टवेयर. How we can use spreadsheet software for storing the data? By table, by chart or both? तो both. हम लोग spreadsheet software में data by table भी use कर सकते हैं और by chart भी हम लोग store करके रख सकते हैं. Question number 2. Fill in the blanks. यहाँ पे options दिए हैं, यहाँ पे fill up करना है. Software is divided into 3 types. यही से answer लिखना है आपको ढूंढ के. Application software is divided into 5 types. Unix is an example of operating system.
Word processor software is used to write simple text. Question number five. Graphical software is used to create graphical software. Excel software is used to manage numerical data. We can see image by using Flash software. You can watch movie by using VLC software. You can remove virus from computer by using AWS software. Then question number 3. Write T for true and F for false. There are 5 main types of software available. False. कितने टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर होते हैं अवेलेबल? देर आर 3 टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर आर अवेलेबल. सेकेंड, सिस्टम सॉफ्टवेयर इज मिडल लेयर ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर. फॉल्स. एमएस पावर पॉइंट इज प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर. यस, ट्रू. ग्राफिकल सॉफ्टवेयर इज यूज टू मेकिंग प्रेजेंटेशन. फॉल्स. ऑपरेटिंग सिस्टम इज ऑप्शनल सॉफ्टवेयर फॉर ऑल द कंप्यूटर. ये भी फॉल्स. सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर आर कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम. ट्रू. एक्सेल इज स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर. ट्रू. पेंट इज एन एग्जाम्पल ऑफ ग्राफिकल सॉफ्टवेयर. यस, ट्रू. अवस्ट इज एन एग्जाम्पल ऑफ प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर. फॉल्स. अवस्ट वॉज फाउंडेड इन 1990. ये भी फॉल्स है. अवस्ट क्या है? ये यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है. वो 1990 में नहीं बना हुआ है. क्वेश्चन नंबर 4. मैच द फॉलोइंग. प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर एमएस पावर पॉइंट. स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर कैल. ग्राफिकल सॉफ्टवेयर ड्रीमवीवर. ऑपरेटिंग सिस्टम यूनिक्स. मल्टीमीडिया सिस्टम वीएलसी. एंड वर्ड प्रोसेसर एमएस वर्ड. इस तरह से आपको मैचिंग करना है. देन ब्रेन ट्विस्टर, ये आपको खुद लिखना है. यहाँ पे आपको ऑप्शन दिए हुए, ये एमएस वर्ड है. देन ड्रीम वीवर है, ये लाइनक्स है, और ये वीएलसी है. आपको ये खुद से लिखना है. क्वेश्चन नंबर 2. राइट डाउन द यूजेस ऑफ गिवन सॉफ्टवेयर. आपको एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के यूजेस लिखने हैं, जो यहीं पे टेक्स्ट बुक में दिए हुए हैं. जैसे कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यूजेस द कैपेसिटी ऑफ अ कंप्यूटर डायरेक्टली फॉर स्पेसिफिक टास्क एंड आल्सो यूज टू मैनिपुलेट टेक्स्ट ग्राफ्स एंड नंबर्स. इस तरह से आपको यूज लिखना है. वैसे सिस्टम सॉफ्टवेयर का लिखना है, फिर वैसे ही आपको यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का लिखना है. देन क्वेश्चन नंबर 3. सॉल्व द पजल एंड फाइंड आउट द नेम बाय क्लू बॉक्स. आपको यहाँ पे नेम ढूंढने हैं, और वो कौन से जो आपको यहाँ पे लिखने हैं. जैसे कि पेंट, तो मैंने यहाँ पे पेंट लिखा. फिर यहाँ पे फ्लैश है, तो मैंने यहाँ पे फ्लैश लिखा. इस तरह से आपको यहाँ से नेम ढूंढने हैं और वो यहाँ पे लिखने हैं. यहाँ पे वर्ड पैड है तो वर्ड पैड, एक्सेल है तो एक्सेल. इस तरह से आपको लिखना है. तो यहाँ पे हमारा ये सेकेंड चैप्टर फिनिश होता है. वी विल मीट इन द नेक्स्ट चैप्टर.